आदिल खान दुरानी के नाम पे मैसेज है, कल इसका मैसेज देख रहा था, ये इतना चीप बंदा है कि पहले तो आप जूते, लोगों के जूते के बारे में, टी शर्ट के बारे में बोल रहा है। आदिल खान दुरानी, मैं जिस ब्रांड का टी शर्ट पहनता हूँ, जिस ब्रांड का जूता पहनता हूँ, तू 200 लड़कियों को चूना लगाएगा या 200 लोगों को अपनी दुकान बेचेगा तब तुमको उतना पैसा आएगा, समझे? मेरा एक ट्रिप जो है होता है जहाँ से मैं चलता हूँ, वो तू कितने पूरी जन्म ले लेगा ना तब भी तू बराबरी नहीं कर पाएगा। देखो गुच्ची पहले तो खुद का औकात देख ले, उसके बाद किसी को बोल। लड़कियों को चूना लगा लगा के, लोगों को टोपी पहना पहना के तू यहाँ तक आज तक कुछ कर भी पाया है, एक कपड़ा भी पहन पाया है। रितेश गुच्ची के जैकेट, गुच्ची का हेलमेट, गुच्ची का पैंट और नहीं। तुम्हारी इतनी औकात नहीं है कि तुम मेरे से बात कर लो। अगर ऐसी औकात है ना तो अपने माँ बाप का, अपने पूरे खानदान का बैंक अकाउंट ले लो और मेरे पर्स में एक ही अकाउंट तुमको बोलूंगा जो तुम बोलोगे। तभी तो मैं हूं साथ। ऑनलाइन मीडिया में दिखा दो, इनके अकाउंट में कुछ है, ऑनलाइन मीडिया में दिखा दूं। तुम्हारे बाप के पास भी उतनी औकात नहीं होगी, इसकी टोपी उसके सर करके तुम जिंदगी जी रहे हो। ये भी मेरे साथ। और रही बात कि तुम्हारे जैसा बंदा जिसने इस्लाम को बर्बाद कर दिया है, इस्लाम को तोमत में ला दिया है, तुम्हारे जैसा बंदा इस्लाम में हराम है ये सब दिखाना, तुम पहले दिखाए हो, उसके बाद तुम किसी लड़की को ओपनली किस करते हो और उसके बाद, तो फिर कहाँ गया पर्दा? जब तुम लड़की को किस करते हो और उसके बाद तुम मीडिया में दिखा रहे हो, कहाँ गया पर्दा तुम्हारा? तो तुम्हारे जैसे लोगों को मस्जिद में घुसने, तुमको सही किया था लोग, मैसूर वाले ने तुमको और तुम्हारे फादर को मस्जिद में घुसने नहीं दिया था, ये सही किया था। और तुम्हारे जैसे लोगों को ऐसे ही होना चाहिए, समझे? तो ये लास्ट वार्निंग है, मेरे से पढ़ोगे ना तो 6 महीना भीतर करवाया था। वो ईरानी लड़की और कोई नहीं, वो मेरे वजह से ही तू भीतर था। और इसके बाद अभी 6 महीने नहीं, 6 साल के लिए भेजूंगा, ये बात तेरे को लिख के बता दे रहा हूँ। इसके बाद ऐसे लगना जिसके घर खुद शीशे के होते, दूसरे पे पत्थर नहीं फेंकते हैं। और हाँ, और हाँ, रितेश सिंह अमीर आदमी है तभी मैं उसके साथ हूँ। रितेश गुच्ची पहनता है, ये गुच्ची ऊंची, रितेश के जांघिया भी वसाचे का है। और रही बात तूने ये एलिगेशन मैंने तुम पर लगाया था कि तूने सारे कपड़े बेच के, मेरे सारे कपड़े बेच के और तूने वो पैसे बना लिए थे, ये एलिगेशन मैंने लगाया था। और रही बात कि इतने लोग हैं मीडिया में, ये टी-शर्ट, जिस टी-शर्ट की बात कर रहा था, चलो मैं आपको खबरदार, रितेश के बारे में कुछ बोला तो आपको ऊपर से नीचे तक वसाचे है। आपको मैं सब जितने मीडिया पर्सन है उनको सब दिखा दे रहा हूँ, जिस टी-शर्ट की ये उस दिन इस टी-शर्ट पे बात कर रहा था, ये सारा ये कह रहा था, ये टी शर्ट उसके है, ठीक है? हाँ, ये टी शर्ट उस दिन मैंने पहना था, यहाँ पे ये कह रहा था ये टी शर्ट उसके है। दिन में 10 टी शर्ट चेंज करता है और 5 कच्चे भी चेंज करता है। ये देखो, ये टी शर्ट बोल रहा था कि ये उसके है, ये देखो, ये टी शर्ट उसके बोल रहा था, ठीक है, ये टी शर्ट बोल रहा है उसके है। ये इतना चीप बंदा है कि ऐसे गिरी हुई हरकतों पर करता है। ये देखो, ये टी शर्ट बोल रहा था उसके है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ मेरे प्रीवियस जितने भी, मैं हमेशा लाइव आता हूँ तो देखो मेरे प्रीवियस। अरे तुम इस नेवले को क्यों मुंह लगाते हो यार? अच्छा, छोड़ो ना, इसमें मेरे प्रीवियस वीडियो के होंगे क्योंकि मैं वो टी शर्ट बहुत बार पहना हूँ, ठीक है? तो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि वो टी शर्ट कहाँ के हैं। चलो मैं बात करती हूँ, तुम ढूंढ लो। छोड़ो अभी, खत्म करो। देखो ये गाइस, छोटू आज मैं कहना चाहती हूँ रितेश के बारे में, इधर मुंह दिखाओ तुम्हारा, रितेश को सब छोड़ो। देखो ये यही टी शर्ट सेम है, ये टी शर्ट है, ये जर्मनी का है। अच्छा रुको, मैं दिखा दे रहा हूँ, एक उठाओ यार। रितेश का देखो टी शर्ट जर्मनी से आता है, ये सेम टी शर्ट मैं पहना हूँ, लंदन से आता है, और सेम टी शर्ट मैं पहना हूँ। और देख लो ये कहाँ का, इसमें लोकेशन है म्यूनिक और फ्रैंकफर्ट में, ये टी शर्ट मैं वहाँ पे पहना हूँ।
इसको केवल बता दो कि जिस ब्रांड का ये टी शर्ट है ये साला कितनी लोगों को सेंडी मारेगा उसके बाद भी कंपेयर नहीं कर पाएगा। और ये सब बोलने, अब ये सब बोलने की बातें नहीं होती है, ये हम लोग बहुत सिंप्लिसिटी में रहते हैं, हम लोग जहाँ से हैं बिलोंग्स करते हैं और रखते हैं तब बकते हैं, ठीक है। तो ऐसी ऐसे बंदे को बोलो कि 200 लोगों को पिछवाड़ा देगा तब उसके बाद ही तेरी औकात होगी। इतनी 200 लोगों ने 400 लोगों को बस हो गया, दिखा दिया। सो गाइस, मैं आज आप सबको बताती हूँ, ये रितेश सिंह सबसे रईस आदमी है। जितने हम होटल में बैठ के खा रहा हूँ, जिस होटल में बैठ के खा रहा हूँ, वो तू 200 लोगों को सेंडी मारेगा तब भी उसका एक दिन का बिल नहीं भर पाएगा। क्या बात है, नाइस फोन। मेरे सारे खाने के बिल भी यही भरता है। क्या बात है गाइस, सुनो मेरी बात, रितेश सिंह जिंदाबाद। दोस्त हो तो ऐसा हो, अमीर आदमी बस, ये अंबानी जी से इतना ही कम रईस है, अदरवाइज सबसे रईस है। रितेश जी का जैकेट वसाचे, ये टी शर्ट का टैक्स बढ़वाएगी, ये टी शर्ट गुची का है, पैंट और कौन सा ब्रांड बाकी, गुची का है, जूता इतना ब्रांडेड है, कच्चा जॉर्डन का है, आप देखो इसका इसका सारे कपड़े कहाँ कहाँ से, जैकेट टी शर्ट पैंट कहाँ कहाँ से, सारे कपड़े जूते जो थे ये खुद ही बेच के उसके एक भी जूते की कीमत ये नहीं दे पाएगा, इतने सबको सारे कपड़े घटिया। और सर इससे पूछो कि ये मुंबई से भागा क्यों है, ये मुंबई से जाके मैसूर में क्यों रह रहा है, क्योंकि यहाँ पे ये 3-4 जगह से घर बदला, यहाँ पे एक भी घर का किराया ये देने में सक्षम नहीं था, फिर जाके लोगों के साथ रूम शेयर किया, उसके बाद भी उसको भी संडी मार के रूम पे, जो कि वो बंदा DI वाला बंदा था, सिर्फ वो बेचारा DI करता था, वो बंदे गोरेगांव में जाके उसके साथ रूम शेयर किया बिना पैसे देने का बिल बाकी है, पान वाले का, और होटल वाले का, ये कहां है उसके बिल बाकी है भाई, इसके पूछो कि कहां अभी जो पत्नी उसकी है वो यहाँ पे मुंबई की बंदी है, उसको ले जाके ये मैसूर में और कहाँ रह रहा है, क्यों नहीं आके अफोर्ड कर रहा है, बहुत इसको मीडिया का शौक है तो यहाँ आए। यार उसकी बीवी उसको जहाँ लेके जाके रखना है रखे, अरे भाई तो महल में रखे के गड्ढे में रखे, अपने को क्या सा बात है ना कि बड़ी बड़ी बातें नहीं करो, कि जितना हो औकात में उतना ही बातें करो। जब आप खुले तो मुझे खुलेआम कहता है, खुलेआम कहता है कि मैं गुड लुकिंग हूँ, मेरे नाम से राखी खाती है। अबे गुड लुकिंग किस एंगल से, तेरा पासपोर्ट का फोटो हमने देखा है, तेरा प्रीवियस फोटो अगर दिखा दूं तो तू रिक्शे वाला से भी डाउन दिखता है, उसका शर्ट उतारो तो पेट उसका ऐसा है, देखो ऐसा, तुम रिक्शे वाले से भी डाउन दिखता है, और उसके बाद साला तुम बात करता है बड़ी बड़ी बातें कि मैं ये हूँ मैं हूँ अच्छा दिखता हूँ, कौन सी फिल्म में, एक बात बताओ कौन सी फिल्म में इसने एक्टिंग की है, ये दुकान वाली फिल्म छोड़ के कौन सी फिल्म में इसने एक्टिंग की है, कौन सी फिल्म इसकी आई है, कौन सी दुकान, ये दुकान की जो दुकान बेच के ये लोगों को संडी मार रहा है, अच्छा अच्छा वो जिसके बाद कौन सी फिल्म में तुमने एक्टर अप शटर डाउन शटर अप शटर डाउन, और वो भी वीडियो है पुराना गल्ले में, वो भी निकलो के साथ का वीडियो है, ठीक है। तो सब हम लोग को हम लोग को मुंह मत खुलवा, लेकिन मैं जब खुलूंगा ना तो राखी है, राखी से 10 गुना स्पीड पे मैं बोलूंगा, और मेरा तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे, कुछ उखाड़ नहीं पाओगे तुम रितेश का, क्योंकि रितेश के कपड़े लंदन से आते हैं, अमेरिका से आते हैं इसके पैंट, पेरिस से आते हैं इसके जूते, क्या नहीं पाकिस्तान से कुछ नहीं आता है, पाकिस्तान नहीं जाते, इसके जूते कनाडा से आते हैं, इसके कच्चे दुबई से, तेरे को कैसे पता है कच्चे कहाँ से, इसमें लिखा हुआ है कच्चे में, कच्चों पे लिखा हुआ है, नहीं लेकिन दुबई। अभी ये बंदा लोगों को, अभी इसका देख रहा था राखी के पास खाने को पैसे नहीं है, फिर राखी क्या है, तू सेंडी जो नहीं मारा रहता वो सेंडी नहीं मारा रहता तो राखी के पास अभी भी तुम्हारे पास क्या है ना, तेरे को झटके की ना, तेरे जैसे कितने कितने सी निकलेंगे, समझे, तो इसीलिए ये राखी को मत पता, राखी मैं और रितेश अंबानी से बस इतने ही करीब है, राखी को बोलता है, राखी के पास 4-4 घर है दुबई में, तेरे पास क्या है, 5, अभी 5 पैदा होने वाला है, पागल ऐसी बातें करता है, खाने को पैसे नहीं है, तू खिलाता है, तू खुद के खाने के मांदे है, गाइस मैं बहुत अमीर हूँ, तभी अनंत अंबानी की शादी का ऑफर हम दोनों को आया है।